और मैडम कहाँ जा रही हो? मैं नमाज पढ़ रही हूँ। नमाज पढ़ने जा रही हो जी? अरे कभी कभी बात कर लिया करो, आजकल बात नहीं करती हो। इतना बात तो करती हूँ, आप जब मैं बात करती तो आप बोलते हो कि इतना बात नहीं करा करो, परेशान करती हो बात बात कर करके। अरे थोड़ी बात कर लो और नमाज पढ़ लेना, टाइम हो रहा है, मुझे पता है मुझे भी पढ़ना है, आप तो भी पढ़ लो। तो पढ़ना है, पर आपको तो अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो टाइम पे। हाँ झूठी, मैं टाइम पे नहीं पढ़ती हूँ। नहीं गंदी बात, टाइम पे पढ़ते हैं हम। आप बिल्कुल अजान होती लड़कों की तरह खड़ी हो जाती हो एकदम। थोड़ी बात कर लो 5-10 मिनट, कहाँ आजकल तो बात करती हो? इतना बात करती हूँ। तुम्हारे दांत कहाँ चले गए? चूहा ले गया, तीनों दांत, तीनों दांत ले गया, ये दो और ये तीन। थोड़ी बात कर लो फिर पढ़ लेना 2 मिनट के बाद। हाँ आजकल बात तो ज्यादा करने लगी हो, क्या बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो कि ईद नहीं करूंगी ये वो। हाँ तो वाली बात है ना, ईद में पता है मम्मा मुझको ईद में कपड़ा नहीं पहनाइएगा। क्यों? कोई इसलिए तो कि आप कोई नमाज नहीं पढ़ रहे, मस्जिद खुली नहीं खुली तो अपने घर ही में तो नमाज पढ़ते हैं आप सब। तो लड़कियां तो अपने घर में ही पढ़ती है ना? हाँ लड़कियां तो पढ़ती है अपने घर में, पर जो लड़के लोग होते हैं वो तो नमाज पढ़ते हैं ना उसमें, मस्जिद में। हाँ ये तो है, वो लोग भी अब घर ही में पढ़ने लगे हैं। फिर मैं देखती हूँ न्यूज, आपको लगता है कि मैं न्यूज नहीं देखती हूँ? मैं न्यूज बहुत देखती हूँ। अच्छा? मुझे समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कितने लोग कोरोना वायरस से ज्यादा तो सड़क में मर रहे हैं। अच्छा हाँ। वो समझ में आ गया आपको, सड़क हादसे में इतने लोग मर गए? हाँ तो मैं न्यूज देखती हूँ ना, आपको आपको यही लगता है कि मैं ऐसे ही बैठ के देखती हूँ और कुछ समझ नहीं है? नहीं तुम, हमें तो पता है कि आप बहुत समझदार हो। अच्छा मम्मा मुझको नमाज पढ़ लेने दीजिए। अरे नहीं तो आपने ईद वाली, आपने ईद वाली बातें बोली लेकिन पूरी नहीं बताई। पूरी अब बता दूंगी। ठीक है आपकी, आपको पूरी बात बताऊंगी, फिर ये नहीं कहिएगा कि आगे बता दी आगे नहीं बताई। नहीं नहीं पूरी बताइए आप मुझे। तो इसलिए मुझको अब ईद में कपड़ा नहीं पहनाइएगा। हाँ क्यों नहीं पहनाऊंगी ये भी बता दीजिए। ये इसलिए नहीं पहनाइएगा क्योंकि बताया तो था। क्या बताया था? कि इन सब हम लोग लड़की लोग तो घर में नमाज पढ़ती हैं, पर लड़के लोग तो मस्जिद में पढ़ते हैं ना। अच्छा आपकी मस्जिद बंद है, हम लोगों की मस्जिद बंद है, नमाज नहीं हुई है। हाँ। अच्छा तो इसके वजह से आपको अफसोस है जी, इसके वजह से आप ईद में कपड़े नहीं पहनेंगे? नहीं, एक साल आप लोग ईद नहीं बनाओगी, आप या कोई एक साल ईद नहीं बनाएगा तो कुछ होएगा नहीं, नहीं हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में अभी ना हम लोग के रमजान पूरा अच्छे से जग गया है, तो ईद कैसे गएगी जाएगी जब रमजान ही अच्छे से नहीं गया? तब की ईद में आपको कपड़े नहीं पहनना? नहीं पहनती तो मम्मा भी नहीं, अब की मैं भी नहीं पहनूंगी, लेकिन मेरी बेटी इतनी समझदार ईद में कपड़े नहीं पहनेगी? नहीं, ईद नहीं मनाएंगी, लॉकडाउन चल रहा है। अल्लाह पाक पता है क्यों रमजान के बाद ईद लाते हैं? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जो ईद बनाते हैं वो पहले रमजान, जैसे आज है अलविदा जुमा, ठीक अलविदा जुमा है। हाँ। तो आज छोटी ईद है, तो कल बड़ी ईद नहीं होगी, परसों होगी। हाँ। हाँ? तो मुझको परसों में कपड़ा नहीं पहनाइएगा। अच्छा। जैसे अभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाई हो ना। ये अच्छे कपड़े मतलब ये तो आपके घर के कपड़े हैं ना? हाँ घर के कपड़े हैं। हाँ। पर अलविदा जुमा में तो आप पहना दीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन हमको ईद में कपड़ा नहीं पहनाइएगा। अच्छा ईद में कपड़े नहीं पहनोगी, ईद नहीं मनाओगी, आपको अफसोस है? ईद नहीं मनाए तो कुछ नहीं होगा। हाँ ये बात तो अच्छी बात है आपको, आप छोटी सी हो आपको समझ में ये बात आ रही है। मम्मा के साथ अब नमाज पढ़ूंगी। हाँ नमाज पढ़। नमाज में दुआ क्या क्या मांगती हो आप? मैं नमाज में ये दुआ मांगती हूँ कि ए अल्लाह पाक जो जो लोग जो भाई बहन अपने घर से दूर है उनको अल्लाह पाक सबर देना और इस बीमारी को रमजान के साथ साथ खत्म कर देना। लेकिन ये दुआ तो अल्लाह पाक ने कबूल ही है कि नहीं? फिर भी धीरे धीरे सब हो जाएगा ना। अब दुआ आप मांगी हो रमजान आखिरी होते होते इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, अब बड़ी बीमारी है ना। अरे ये बीमारी बड़ी है ना, तो आहिस्ते आहिस्ते जाएगी ना ये बीमारी। आप तो अपने घर पे हो ना, जैसे कल है, कल
ये बताइए, आज सुनो सुनिए, आप मुझसे बहस करती हो, जैसे ये नहीं, मतलब ये है कि देखिए, अब मुझे भी भुला दिया क्या कहना नहीं, आपने दुआ मांगी ना, आप ऐसे दुआ मांगती रहिए, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे बीमारी चली जाएगी। पता है मम्मा क्यों मैं इतनी जो देर देर से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये बीमारी है, एक से बढ़कर एक ही आती चली जा रही है, कि एक खत्म हो तो फिर दूसरी भी आ जाए। नहीं, ये वाली खत्म हो जाएगी तो अब दूसरी नहीं आएगी। आप अपने घर में अच्छे से हो ना, बाहर नहीं निकलते। मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगूंगी कि ये मुसीबत चली जाए। बस अब तो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ईद में ईद के साथ साथ ये बीमारी जाए। हाँ इंशाल्लाह अगले रमजान में हम लोग अच्छे से रमजान मनाएंगे। हाँ। मस्जिद भी खुलेगी। कोरोना वायरस से तो गरीब लोग मर रहे हैं, वो लोग तो बेचारे बाहर रहते हैं। न्यूज में आपने नहीं देखा कि ट्रक में इतने ढेर सारे लोग आ रहे थे, बीमार वाले लोग? बीमार नहीं थे वो, अच्छे थे। गरीब लोग आ रहे थे ट्रक से और उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनके लिए मतलब गरीब नहीं बोला जाता बेटा, गंदी बात होती है। गरीब तो उनके लिए, उनके लिए आपने दुआ नहीं मांगा कि सब अच्छे से अपने घर आ जाए? मैं तो ये मानूंगी, लेकिन उनके पास घर कहाँ है मम्मा? आप जो बोल रहे हो घर है, वो अपने घर ही तो आ रहे थे बेटा, वो शहर में रहते थे, काम करते हैं। छोटा सा वो होगा ना घर होगा, तो मैं तो दुआ मांगूंगी, अब तो दुआ मांगूंगी। तो दुआ तो पूरे रमजान आपने मांगा है? हाँ पूरे रमजान तो दुआ मांगा है, लेकिन कबूल तो नहीं हुआ। नहीं, अल्लाह पाक कबूल करते हैं ना, धीरे धीरे करते हैं। दुआ मांगते हैं वो लोग, किसी को बताते नहीं, नहीं तो अल्लाह पाक कबूल नहीं करते दुआ। हाँ, और आप बोले कि क्या दुआ मांगती हो, क्या दुआ मांगती हो? मम्मा नहीं समझती ना, क्या करें दांत तो मैं दिखाऊंगी अब सब कुछ, तब तक दिखाऊंगी ना, तब तक ये बीमारी न जाए, तब तक दिखाऊंगी मैं लोगों को। चलो ठीक है, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे, जाइए आप नमाज पढ़ लीजिए फिर। हाँ, अल्लाह अकबर तो कर लीजिए। अल्लाह अकबर कर लिया? कहाँ कर लिया, ये देखो नमाज में बुला दिया तो बतो। अच्छा सॉरी, जा रही हूँ। नमाज पढ़ना चाहती हो मम्मा? आगे बैठी हो? नहीं नहीं नहीं, आगे कहाँ बैठी हूँ, मैं साइड में बैठी हूँ। अच्छा लो, साइड में आ गई। नमाजी बिटिया, आप दुआ तो मांगो, मैं कुछ कर रही हूँ क्या? मैं तो बैठी हूँ, सिर्फ आपकी नमाज देख रही हूँ, आप ठीक से नमाज पढ़ी हो कि नहीं, मैं कुछ दिखाई नहीं रही हूँ, वो तो मैं मोबाइल ऐसे ही देख रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ो दुआ, धीरे मांगते हैं, तेज नहीं मांगते। ऐसे दुआ नहीं मांगते हम, सिखाएंगे, मम्मा है ना, तभी तो। आप आगे थोड़ा सा हाथ करिए, धीरे भी पढ़े चाहे तेज पढ़े। नहीं दुआ धीरे तो रहे हैं ना? नहीं दुआ धीमे मांगते हो, और थोड़ा हाथों को आगे फैलाइए ठीक से, अल्लाह पाक के आगे हाथ फैलायो। हाँ